ज्ञानन्तवेददमलमधुर्वापमाः नारायणो नरसखा किल नारदाय एकान्तिनां भगवतस्तदकिञ्चनानः आदारविन्दनिरजसा प्लुतदेहिनां स्या. नारायण द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडेड द वेलविशर एंड द फ्रेंड्स ऑफ ऑल द लिविंग एनिटीज फॉर्मली एक्सप्लेन द ट्रांसेंडेंट नॉलेज टू द ग्रेट सेंट नारदा. Such knowledge is extremely difficult to understand without the mercy of a saintly person like Narada. But everyone who has taken shelter of the Narada disciplic succession can understand this confidential knowledge. अब देखिए दो तरह का ज्ञान था. एक ज्ञान तो उनका स्कूल में पढ़ा रहे थे, उसको बोलते हैं षंड अमर का ज्ञान. वो अभी भी जो स्कूल कॉलेज है वैसा ही ज्ञान है. वैसा भी नहीं है, उससे भी घटिया है, लेकिन एटलीस्ट वो धर्म अर्थ काम तो बता रहे थे. आजकल वो भी नहीं बताते, धर्म भी नहीं बताते, आजकल खाली काम बताते. धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके बाद हुआ धर्म अर्थ काम, उसके बाद अर्थ काम, आजकल खाली काम. एटलीस्ट हमसे जो पहले पीढ़ी में लोग थे थोड़ा ये सोचते थे थोड़ा मेहनत करेंगे पैसा कमाएंगे तो फिर मज़ा करेंगे. उसके पहले लोग धर्म का पालन करते थे कुछ, उसके बाद धर्म के अनुसार कुछ पैसा कमाया फिर आनंद किया, और उसके पहले लोग धर्म का पालन करते थे, उसके बाद धर्म के अनुसार थोड़ा पैसा कमाया, धर्म के अनुसार थोड़ा आनंद किया, और उसके बाद इंद्रिय भोग से तंग आके मोक्ष के बारे में जाते थे. करेक्ट. और उससे भी बड़ा चैतन्य महाप्रभु बोले, क्या बोले, प्रेम पुमार तो महान, ये चतुर पुरुषार्थ के ऊपर है कृष्ण प्रेम. लेकिन ये बहुत ही गुह्य चीज है. अभी समाज में लोग अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान बोले भी तो इतना भौतिक इंद्रियों में फंसे हुए, भौतिक आनंद में फंसे हुए कि उनको समझ भी नहीं आता आप क्या बोल रहे हैं. जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देता है कि आपको ये दवाई लेना है इस बीमारी के लिए. अगर आपको एक ज्ञान प्राप्त करना है डॉक्टर से भी, ये तो अभी भौतिक की बात कर रहे हैं, आपको थोड़ा पेशेंटली डॉक्टर से सुनना पड़ेगा. करें डॉक्टर आपको एक दवाई दे दिया कि ठीक है आप ये खाइए ये खाइए, लेकिन आपको थोड़ा शांत होके अगर आपको समझना है उसने क्या ही दिया है तो आपको शांत होके थोड़ा पेशेंस चाहिए. एक क्षण में नहीं होता, एक क्षण में समझ आएगा क्या, नहीं. उसने कितना 15-20 साल पढ़ा है, कितने सालों का उसका एक्सपीरियंस है, फिर आपको बोल रहा है ये दवाई आप खाइए आपका शरीर ठीक हो जाएगा. ठीक है, तो आप अगर इतना ही समझने का कोशिश करिए, एक क्षण में नहीं होता. ये लोग इसको ऐसा मजाक समझते हैं कि इनको एक क्षण में कहाँ प्रूफ है, कहाँ प्रूफ है, ऐसे कुछ विचलित हो जाते हैं लोग. अरे विचलित नहीं हुए, शांति से बैठिए, हाँ आपको समझ आएगा. लेकिन ये मुश्किल है, तो ये गुही है, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है. आपको मालूम है पूरा भगवत गीता धृतराष्ट्र ने सुना था, उसको एक शब्द समझ नहीं आया, और संजय को सुना था उसको शरीर में उसको आध्यात्मिक आनंद के विकार आ रहे थे, उसके खुशी से पागल हो रहा था. क्या ज्ञान है. अभी आप देखिए हर घर में भगवत गीता है, लेकिन लोग धृतराष्ट्र के जैसा ही क्यों व्यवहार करते हैं. मेरे को भी, मैं भी याद है, मैं भी मेरे घर में भी गीता थी और मैं इंटरेस्ट था थोड़ा, कभी कभी उठा के पढ़ा वही गीता प्रेस का, कुछ समझ नहीं आया, कोई विकार नहीं आया शरीर में, कोई एक्सट्रेसी नहीं, धृतराष्ट्र का जैसा व्यवहार. पढ़ा धृतराष्ट्र ने पूरा गीता सुना ना, भगवद गीता का पहला श्लोक क्या है, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र समवेता सभा माम का पांडवश्चैव किम अकुर्वत.
तो जब तक ये नहीं होगा आप गीता को नहीं समझ पाओगे। क्या गलती थी तराश कर रहा था, क्यों काबिल नहीं था, उसने भक्त का शरण नहीं लिया। ये बहुत सीक्रेट चीज है ना। और दूसरा चीज है, उसके दिल में भक्त का शरण तो छोड़ो, उसके दिल में द्वेष था भक्तों के लिए। शरण लेने की जगह भक्तों के लिए द्वेष लेके बैठा हुआ था, वो क्या समझेगा, असंभव है। कह रहे इधर बोला है पादारविंदा पादारविंदा, बहुत आपको श्लोक मिल जाएंगे भागवत में कि भक्त के चरण की है धूली अपने सिर पर लगाओ, ठीक है। उसको टेक्निकल में बोलते हैं दीक्षा। एक तो होता है इनफॉर्मल, जैसे हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, अच्छा है, कोई लड़का लड़की साथ रहते हैं, लेकिन अब लोग बोलते हैं शादी कर लो भाई ढंग से, तो उसी को दीक्षा बोलते हैं। जैसे हम प्रभुपाद के वचन को फॉलो कर रहे हैं, उनकी शिक्षा को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अच्छा है दीक्षा ले लो, दीक्षा मतलब उसको जैसे लड़का लड़की है नियम से रहते हैं ठीक ही है, लेकिन लोग क्या बोलेंगे, आप लोग बेटा शादी कर लो थोड़ा समाज में। तो सिमिलरली दीक्षा उसको फॉर्मलाइज कर रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है कि हमको भक्त का शरण लेना, जब तक भक्त का शरण नहीं होगा आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, है ना। धृतराष्ट्र ने क्या गलती किया, शरण नहीं लिया भक्त का शरण। उसको कितने बारी एक महान भक्त ने ज्ञान देने की कोशिश करी, उसका क्या नाम था, हाँ, लेकिन नहीं सुना। कितना बारी, विदुर था उसका, विदुर तो महाजन है, वो तो यमराज है, वो बहुत बारी उसको ज्ञान देने की कोशिश किया था, नहीं सुना, नहीं, बाद में सुना अंत में। इतने भक्तों में अपराध करके बाद अंत में सुना, लेकिन उसको अवसर था। तो एक्चुअली हम सबको अवसर है, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी तो सभी को रहता है, हर क्षण अपॉर्चुनिटी रहता है। अब देखिए युद्ध भूमि में भी दुर्योधन को भी दिखा था अपोजिट साइड में, इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, उसके भी रिश्तेदार हैं, लेकिन उसका मन बहुत भौतिक आनंद से इतना चिपका हुआ था कि वो कुछ भी वैराग्य नहीं था उसको, करें वो सोच रहा था किस तरह पांडवों को ख़त्म करें, भक्तों को ख़त्म करें। तो उसको भी गीता समझ नहीं आई उसको भी बहुत लोगों ने शिक्षा देने की कोशिश करी थी, बट उसको कुछ समझ नहीं आया। तो इस तरह ध्यान से समझ सकते हैं, ऐसा अगर हम अपना मन थोड़ा शांत नहीं करेंगे, अगर हम अपना मन इसके लिए सीरियस नहीं बनाएंगे, तो ज्ञान होते हुए भी आपके सामने ज्ञान है, ऐसा थ्योरेटिकल नहीं है। इसलिए भगवद गीता में क्या श्लोक है, वेरी फेमस श्लोक, व्हाट इज द श्लोक, का तद विधि प्रणिपातेना देन परिप्रश्नेना सेवया उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिनम तत्व। हरे कृष्ण, हाँ, वेरी फेमस श्लोक है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, ठीक है। सो दैट इज इन स्पिरिचुअल लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, पहला प्रिंसिपल प्रणिपात, वही प्रणिपात डस्ट लेना है। जैसे आप प्रभुपाद जी को अभी तो देख नहीं सकते पर्सनली, आप प्रणिपात करिए, उनके जो शब्द हैं उनको स्वीकार करिए। ओबीडियंस सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ओबे करिए, मैं इनका गाइडेंस से सुरक्षित हूँ, और इसी में सुरक्षा है। एंड प्रभुपाद जी बोलते हैं, ही सेज दैट विदाउट द मर्सी ऑफ अ डिवोटी वी हैव नो एक्सेस टू द स्पिरिचुअल रेल्म। विदाउट द गाइडेंस ऑफ अ डिवोटी हमको स्पिरिचुअल रेल्म में घुस नहीं सकते, समझ रहे, दिखेगा भी नहीं। इसलिए क्या होता है, वेन वी डू भक्त अपराध, वेन यू ऑफेंड अ डिवोटी, दैट बिकम्स इनविजिबल। ए श्रीधरा, श्रीधरा, व्हाट इज द प्लान दे वांट, दे वांट कैन ट्रांसलेट इन रशियन, रिफ्रेश।
Only Russian, no? English, you know. Oh, Hindi, Afghan, Hindi. Yeah. No, after you all refresh after that. Theek hai. So, it's very important principle. So, we Prabhupada says very nicely, when we surrender to the spiritual master, to a devotee of the Lord, very mystic principle. By his mercy, you can perceive. It's like when you distribute Bhagavad Gita, you get mercy of Krishna. You get mercy of Prabhupada. You get mercy of Vaishnavas. And then when you try to read Bhagavad Gita, you can understand Gita. What is the connection? Looks like there should be no connection in this. But it is a great mystery. Bahut bada ye mystery hai. Aap Gita ka vitaran karenge, to aapko Bhagwan ka kripa milega. Aap jab padhna chahenge, aapko samajh aayega. अगर आप गीता समझ नहीं आ रहा थोड़ा वितरण करिए उसके बाद आप बैठेंगे दिस इज वेरी 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 मिस्टीरियस एट द सेम वे व्हेन यू ऑफेंड अ डिवोटी देन यू ट्राई टू रीड यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कर्टन सपोर्ट सो ये दिस इज एक्चुअली लिविंग नॉलेज द नॉलेज ऑफ कृष्णा एंड कृष्णा इज नॉट डिफरेंट नॉलेज ऑफ कृष्णा एंड कृष्णा इज नॉट डिफरेंट So Guru Parampara is actually handing Krishna. It's like aapka chota bachcha nahi hota. Aap ek dusre ko dete hain, dusre ko dete hain. Actually Guru Parampara is not bringing knowledge. Knowledge of Krishna is non-different from Krishna. It's bringing Krishna itself. You got it? Theek hai? It is Krishna itself being given to us in the Guru Parampara. And therefore, when you develop a proper attitude to receive this knowledge, then Krishna reveals. Okay? This is the secret. Shri Radha Govinda ki. So there are various steps to receive Krishna. The first step is we have to learn to control the senses. You cannot just receive Krishna with the impure heart. Your heart should be pure. And then the next step is that we develop a desire to serve Krishna. Mostly, people are, I was just developing. Logon ko kya chahiye hota generally? Shareer ka comfort. Prabhuji was telling me yesterday. Logon ko kya chahiye hota? Sukh. Kare? Unko mandir se koi matlab nahi hai. Bhautik sukh chahiye unko. They want some comforts of the body. They don't understand that this is also, animals are also getting it. That's all. Some more advanced, they want some shanti for the mind. They bolte na, thoda shanti mil jaye. Isliye mandir aate hain, kuch shanti mil jaye. But they don't know that they are still limited to the mind. But actually, we go to the Lord for ananda. That is for the soul. The soul gets so much happiness
सर्विस टू द लॉर्ड, है ना। तो आप जब तक आचार्य को या भक्तों के नहीं मिलेंगे तो आप भौतिक सुख में ही फंसे रहेंगे। और आपको मालूम है कि मन अशांत है, यू नो योर माइंड इज डिस्टर्ब, बट यू कैंट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट व्हेन यू मीट डिवोटीज, दे गिव यू नेक्स्ट रिवेलेशन दैट इफ यू चैंट द होली नेम्स ऑफ गॉड यू विल बिकम पीसफुल, करेक्ट। दैट इज द फर्स्ट थिंग वी डू मेनी टाइम इन द बिगिनिंग, व्हेन यू चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड इमीडिएटली वी डोंट फील एक्सटैटिक। How was it? Very nice. I am feeling very peaceful. But then in association, because devotees have in their heart the pleasure of serving Krishna, they have that in their heart. Correct? Actually, we are also very dependent. But when Krishna wants, he reveals to the devotee the pleasure of serving Krishna, that ananda. That is what we have to look for. Therefore, most of the people are running around in society looking for sukha, for the body. They are actually animals. Because animals also do the same thing, whole day looking for some sukha for the body. But some people become jnani. Take it, Prabhuji. Take it, develop. Some people become jnani. They develop for the mind. I want some peace. I'm tired. There is no sukha, there is only dukha. I'm tired, I'm frustrated. Next level. Ye log thoda karmi ke upar gyani. Then this gyani also still not getting ananda. Correct? He is withdrawn from dukha, but actually he is not getting real ananda. Then he becomes bhakta. The real happiness is for the soul. And what is real happiness of the soul? The soul wants to see the Lord being worshipped. Jiva Krishna Das. The soul is the servant of the Lord. Atma jo hai Bhagwan ka Das hai. The soul wants to see the Lord being worshipped. That is the ananda for the soul. It's a very, very confidential. Now this knowledge you cannot get on your own. Therefore, there is no book in the world like Gita and Bhagavata. Most of the books in the world, what they are teaching you? Most of the schools, universities, how you earn money and do sukha for the body. That's all. But after that person understands, I worked so hard, I worked so hard, I have no peace of mind. And body is not giving me sukha, it is giving me dukha. Because then you become old, this body is giving you dukha. Then he understands. So I want some peace. He used to get frustrated, fed up. And he looks for peace. He goes to people, can you give me peace? And then we say, please chant Hare Krishna. So when he chants, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. His mind becomes purified. Then he gets some peace. And when evam prasanna manaso bhagavat bhakti yogataha bhagavat tattva vijnana mukta sangasa jayate, evam prasanna manasaha, when in a peaceful happy mind, when he attentively chants with faith and devotion names of Krishna, then he start experiencing ananda. Correct? You can see different levels the people can have, but this is very, very confidential. To get ananda, you have to take shelter of the acharya. You have to take shelter of devotees. Then they will give you ananda. Krishna se to mara. Krishna dite paro. Krishna. Dhai paashe paashe. Dhai tava paashe paashe. I am coming to you, my lord. Krishna se to mara. God is yours, Krishna. So I was telling you, Guru Parampara is handing Krishna. So Guru will give you Krishna. Upadakshinte jnanam jnanina tattvadarshina. Because he has Krishna in his hand, he can give you Krishna. The knowledge of Krishna is not different from Krishna. So Guru Parampara is carefully giving you Krishna. Next, next, next. He's ready to give you. But can he handle? He cannot handle. So in the beginning, the Guru will give you Nama. First thing Guru will give you is Nama. Please chant the Hari Nama.
As you attentively chant the holy name of the Lord, then He will give you the Rupa, the Leela, the Guna, everything of Krishna will reveal. Full Krishna will He reveal in your heart. When Vasudeva, Krishna was about to take birth, first Vasudeva, in a heart Krishna manifested. Then He manifested in the heart of Devaki. So Prabhupada says there in the 10th canto purport, this is Diksha. Take care? The Guru actually reveals Krishna within the heart. Divyagyan Hirda Prakashito. Every day we are singing Divyagyan Hirda Prakashito. So in this way, we should understand that in spiritual line, we need to take shelter of the Acharya. Even for modern academic so-called knowledge, Shanda in America school, there also we see we have to follow so much discipline. You have to go to school, you have to be at 8 o'clock in the morning, correct? And how many years, from 5 years to 25 years, 20 years, we do all the tapasya, but we get cheated. They don't give us real knowledge at the end. And we get no sukha, we get no peace, we get no ananda. No sukha, no shanti, no ananda. But if you are fortunate and you go to a bona fide acharya, okay, then what happens? You get ananda. You get ananda. Savai pumsa paradharma yata bhakti yodokshade ahaitukiya pratyada gyayatma suprasiddhi. And you are totally satisfied. Poon amrita asadana. Every step you feel so much pleasure and you feel totally satisfied when you take shelter of the acharya. So this opportunity is only in the human form. We have few more years with us. Next life may not be human, maybe animal, only sukha. That's all. That is also not there, but that is the only thing you will get. Those people who only look for sukha, next life they will get animal life. But some people who look for ananda, who look for service to the Lord, they get a chance to take human birth again. And if they are fortunate, if they have become pure devotee, they can straight go back to Krishna Loka, to Vaikuntha. So it's a small opportunity. How many years we have? 10 years more maybe? All of us are becoming old now. 20 years maximum. So this is a very good opportunity. Because it is said, before exam, we should become very serious. Alright? So Prabhupada used to say, at least in the last 20 years of our life, we should become very, very serious. Exam ke pehle serious hota nahi hota. Abhi aapka March mein exam hai, sab bachcha tension mein. All children are in tension. March exam is coming. The same way, many of us are now approaching 50. Average life is 70. Even you live after 70, no use, you are invalid. So now, take full advantage. Take full advantage. And try to develop the real benefit for the soul. The benefit of the body is not very important. The benefit of the mind, you have to have peaceful mind. Then only you can hear about Krishna. So you keep your mind peaceful by following rules and regulations of adharma, of dharma. You follow the rules and regulations and the mind becomes peaceful. Mind comes to Sattva-guna. Somebody asked Srila Prabhupada, how I can reach Sattva-guna? Prabhupada strictly followed the four regulative principles. You are in Sattva-guna. But there on that platform, you chant Harinam. Then what do you get? Ananda. The life becomes ecstatic. So Prahlad Maharaj is saying to his classmate, this is very, very confidential. It's kept in the pocket.